आलू भिंडी चावल कहकर तीन दोस्त रहते थे। एक दिन भिंडी अपने दोस्त से, अरे भाई, रोज स्कूल जाते बच्चों को देखता हूँ तो मुझे भी स्कूल जाने को मन कर रहा है, लेकिन कुछ वैरायटी से पढ़ना है। हाँ, अच्छा आइडिया है, मुझे भी कुछ वैरायटी से पढ़ना है। अरे यार, तुम लोग अब तक ज्वाइन होने को सोच रहे हो? मैंने तो ज्वाइन कर भी लिया। डॉक्टर चोर बिजनेस एकेडमी पूरी दुनिया में ही अनोखी है। यहाँ लूट कैसे करना है, चोरी कैसे करना है, ये सब सिखाते हैं। परसों ही फर्स्ट सेमेस्टर लिख कर आया हूँ। आलू ये सब सुन के, देखो भाई ये कितना बड़ा आदमी बन गया, कुछ नोट्स हो तो दे दो भाई, हम भी ज्वाइन हो जाएंगे। इस तरह वो तीनों डॉक्टर चोर एकेडमी में ज्वाइन हुए। 3 महीनों के बाद स्कूल का प्रिंसिपल आके, देखो जूनियर चोरों, कल से तुम्हारा प्रैक्टिकल टेस्ट शुरू होगा। तुम सब लोग इन 3 महीनों में जो कुछ सीखे हो उस प्रैक्टिकल टेस्ट में दिखाना होगा। जो भी इस प्रैक्टिकल टेस्ट में फेल होगा उसे 0 मार्क्स मिलेंगे, कहकर चला गया। उस शाम को आलू भिंडी चावल बहुत सोचने लगे। भाई, इस बार प्रैक्टिकल टेस्ट में हमें ही फर्स्ट आना होगा, कुछ ना कुछ बड़ी चोरी करना होगा, वो अब तक किसी ने ना सुना ना देखा ऐसा चोरी करना होगा। हाँ, बहुत पैसे भी आना है, कार बाइक सब एक साथ आना है। ये सब चाहिए तो एक फेक बैंक का सेटअप करना होगा। ये उपाय सबको पसंद आने से एक फेक बैंक का सेटअप कर दिए। बैंक में एक कस्टमर, क्या हुआ सर, ये नया बैंक है क्या? हाँ, हमारे बैंक वालों ने नया ब्रांच खोला, सब बैंक के जैसा नहीं है, ये स्पेशल बैंक है। क्या है इस बैंक की स्पेशलिटी? अगर आप 5,000 डिपॉजिट किए तो आपको हम लोन देंगे। इतना ही नहीं, आपको बैंक आना भी नहीं पड़ेगा, हमारे बैंक वाले ही आपके पास आके पैसे देंगे। बस इतना ही नहीं, आपके कार बाइक ट्रैक्टर का भी यहाँ डिपॉजिट कर लेंगे। क्या, कार और बाइक का भी डिपॉजिट कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा है। चावल और सोना पर भी बिना ब्याज के लोन मिलेगा, वो भी 0% ब्याज। बाप रे, ये सच में सुपर बैंक लग रहा है, मैं जाके पूरे गांव वालों को बता के आता हूँ। इस तरह अगले दिन गांव के सब लोग वहाँ आके लाइन में खड़े हो गए, चावल आलू भिंडी तीनों सबके पास डिपॉजिट लेने लगे। एक कस्टमर वहाँ आके, सर जी, मेरा बहुत पुराना गाड़ी है, 30 साल पुराना है, क्या उस पर भी लोन मिलेगा? हाँ क्यों नहीं साहब, मॉर्गेज लोन मिलेगा ना। मेरे इतने साल के सर्विस में मेरे बाइक को देखकर इतनी इज्जत से कोई बात नहीं किया, आप कर रहे हो, ऊपर से लोन भी दे रहे हो, आप बहुत महान हो साहब। दूसरा कस्टमर, सर सोना पर बिना ब्याज का लोन मिलेगा ना, ये लीजिए मेरी पत्नी का पूरा सोना। इस तरह सब लोग उस बैंक के बारे में बात करने से कस्टमर और ज्यादा आने लगे। एक दिन पुलिस इससे उस ओर से जाते वक्त, क्या रे इतने लोग यहाँ क्यों हैं? कांस्टेबल आकर, सर ये सुने क्या, सोना पर 0% ब्याज, कार और बाइक पे भी लोन दे रहे हैं, ये तो सच में बम्पर ऑफर है सर। क्या सच में? इतनी इज्जत से काम कर रहे हो तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, वैसे इस बैंक का नाम क्या है? लुटेरा बैंक सर। ये कैसा नाम है, वैसे उन लोगों का नाम क्या है? आलू भिंडी चावल सर। ये कैसा नाम है, अजीब लोग लग रहे हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, जाके थोड़ा पता करते है, चल। एक शाम को आलू भिंडी चावल बैठ के बातें करने लगे। उसमें एक, भाई इस बार हम पक्का फर्स्ट आ जाएंगे, प्रिंसिपल हमें गोल्ड मेडल देंगे, कहकर खुश होने लगे। इतने में वहाँ एसए और कांस्टेबल आकर, क्या रे खुद एक फेक बैंक देकर लोगों को धोखा दे रहे हो, चलो स्टेशन, कहकर उनको खूब पीटने लगे। जेल में आलू भिंडी चावल खूब रोने लगे। तब कांस्टेबल आके, क्यों अब क्यों रो रहे हो, ये तो चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। हम पकड़े जाने के लिए नहीं रो रहे सर, हम प्रैक्टिकल टेस्ट में फेल हो गए इसलिए रो रहे। क्या प्रैक्टिकल टेस्ट, कुछ नहीं चुप कर, कहकर चला गया। एक महामारी बीमारी से सारा देश को मुक्ति मिली।
सब लोग खुशी से बिना कोई डर से घूम रहे थे। पहले जैसे ही शॉपिंग कर रहे थे और होटल को भी जा रहे थे, मगर अशोक नामक एक आदमी को ये बीमारी का डर नहीं गया। वो हर वक्त उसके साथ एक छोटा सा गैस सिलेंडर स्टोव लेके फिरता रहता था। एक दिन एक आदमी अशोक से, अरे भाई, तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, सुबह शाम ये सिलेंडर लेकर घूम रहे हो, क्या बात है? मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा ये निश्चय किया। मेरे ख्याल से वो बीमारी कहीं ना कहीं छुपा होगा, समय देखकर हमारे ऊपर हमला करेगा। वो शायद पूरी में छुपा होगा, नहीं तो चाय में चक्कर लगा रहा होगा, इसलिए मैं सिलेंडर लेकर घूम रहा हूँ। जहाँ भूख लगेगी वहाँ पकाकर खाऊंगा, लेकिन बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वो बीमारी चली गई कहकर दुनिया के सभी साइंटिस्ट कह रहे हैं, हे भगवान, और थोड़ी देर तुमसे बात किया तो वो बीमारी का डर मुझे भी आ जाएगा, कहकर चला गया। अशोक एक दिन उसके बीवी बच्चों से सिनेमा देखने गया। उसका बच्चा इंटरवल में पॉपकॉर्न पूछने से अशोक अपना स्टोव ऑन किया, उस पर पाई रख के पॉपकॉर्न करना शुरू किया। वो जल के पूरा धुआं निकलने लगे। वहां के सब लोग खांसी से बाहर दौड़ने लगे। तब सिनेमा थिएटर वाले वहां आके अशोक को खूब पीटा। दूसरे दिन अशोक बीवी बच्चे सताने से उनको होटल ले गया। क्या ऑर्डर दूं सर जी? हाँ लिख लेना, आधा किलो आटा, 100 ग्राम तेल, 1.5 किलो आलू, 1 मुर्गी और 1 चाकू ले आना। ये होटल है सर जी, कोई सुपरमार्केट नहीं। हाँ हाँ मालूम है, मैंने तेरे ओनर से बात कर ली है, तू जाके वो सब लेके आना। सर्वर वो सब चीज लाके वहाँ रखा। अशोक अपने चूल्हे के ऊपर रख के खाना बनाना शुरू किया। अशोक की पत्नी उनके बच्चे से, ये लो, तुम्हारे पापा जिंदगी में नहीं सुधरने वाले, चलो, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे क्यों जा रहे हो, जैसे तुम लोग पूछे वैसे ही होटल ले आया हूँ ना, कहकर चीखा। इतने में सर्वर बिल लाकर देते हुए, साहब आप इतने सावधानी से रह रहे हो ना, अगर आपके गैस सिलेंडर में ही बीमारी लगी तो क्या करोगे? हाँ हाँ इसीलिए तो हर एक घंटे में सैनिटाइजर से धो रहा हूँ। अगर वो सिलेंडर के अंदर छिपा हो तो? अशोक को शक शुरू हुआ। उस दिन रात को अशोक को नींद नहीं आ रही थी, वो सो नहीं पा रहा था। तुरंत जाके उस सिलेंडर के ऊपर वाला स्टोव को निकालकर सिलेंडर के अंदर सैनिटाइजर डाला। डालते ही सिलेंडर में से आग आने लगी। अशोक का मुंह काला जल गया। तुरंत उसको अस्पताल लेके गए। वहाँ डॉक्टर, बीमारी कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में है, किसी भी बात में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, पर डर नहीं, ज्यादा सावधानी कभी हमारे लिए खतरा ही बन सकता है, और तो और वो बीमारी चली गई है, इसलिए तुम इस हानिकारक सिलेंडर लेकर घूम रहे हो, अब से सावधान रहो, नहीं तो कल तुम्हें दूसरी तरह की बीमारी आ सकती है, धैर्य ही हमारे लिए रक्षा है। मुझे अक्कल आया है डॉक्टर, अब से मैं किसी से नहीं डरूंगा और शक भी नहीं खाऊंगा। वैसे डॉक्टर जी, वो दूसरी बीमारी आ सकती है कह रहे हैं ना, वो नहीं आने के लिए क्या करना होगा? ये सुनकर डॉक्टर बेहोश होकर गिर गया।